अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेजबान रईस वानी और आप देख रहे प्रेम पोस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर कोकरना, अगर हम एसटी लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, बिला आखिर जो है चौधरी जफर खटाना का नाम जो है वो सामने आ चुका है कोकरना एसटी कैंडिडेट के हवाले से, क्योंकि एसटी लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी से जफर खटाना जो है ये एलएनएस पार्टनर कैंडिडेट होगा और एलएनएस जो है नेशनल कांग्रेस की है और वहां पे जो है काफी टाइम से जो है वहां पे लोग इंतजार कर रहे थे। हालांकि कब ये भी खबरें खर्दिश कर रही थी ये कांग्रेस के खाते में जा सकती है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो लगातार इस सीट पे जो है वो पकड़ जो है उन्होंने लगाई थी, मगर ये जो खबर अभी सामने आ चुकी है कि चौधरी जफर जो है उन्होंने जो है इस सीट से जो है वो ही इलेक्शन लड़ेंगे एलएनएस कैंडिडेट के हवाले से। आपको मैं बता दूं, चौधरी जफर जो है वो एसटी लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट होंगे और आपको मैं उसके साथ ये भी बता दूं कि लोग जो है अब एक एक कैंडिडेट का नाम जो है वो सामने आ रहा है और अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। लोग जो है काफी इंतजार कर रहे थे, अब जो है वो एक एक कैंडिडेट का, पहले अगर हम बात करेंगे शांगस और अब कोकरनाग, अब और कितने और नाम आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, किस किस कैंडिडेट जो है वो एलएनएस का होगा और कौन सा कैंडिडेट जो है वो अब देखने वाली बात यह होगी कि अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी सामने आएंगे, क्योंकि अब सभी का इंतजार, क्योंकि अब दो दिन रह गए, 27 को जो है फॉर्म भरना है। आज जो है सभी की इंतजार कर रहे थे कि आज शायद शाम तक जो है सभी कैंडिडेट इसका नाम जो है वो सामने आ सकता है। अभी जो खबर है वो यही है कि एसटी लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी से एलएनएस कैंडिडेट जो है चौधरी जफर खटाना को मिल चुका है, अब वो 27 को जो है वो फॉर्म भरेगा। आप बने रहे प्रेम पुष्प का, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।